वेलकम टू डिस्कवर मूवीज। ये कहानी है पीट नाम के एक लड़के और उसके ड्रैगन दोस्त एलियट की। पीट हमेशा जंगलों में ही रहा करता था, लेकिन एक दिन कुछ लकड़हारे उसे जंगलों में भटकते हुए देख लेते हैं। उन्हें लगा कि वो शायद अपने माता पिता से बिछड़ गया है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन पीट शहर में आकर किसी जंगली जानवर की तरह बर्ताव कर रहा था। वो बार बार जंगलों की ओर जाने की कोशिश करता है, पर हर बार पुलिस उसे पकड़ लेती थी। अब क्या पीट वापस उन जंगलों में लौट पाएगा? पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी, जिसका नाम है पीट्स ड्रैगन। इस मूवी की शुरुआत में हम पीट की फैमिली को देखते हैं। जब पीट 5 साल का था तो उसके माता पिता का एक रोड ट्रिप के दौरान एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। उनकी लाशें एक सुनसान जंगल में पड़ी हुई थी और पीट उनके पास बैठकर रोए जा रहा था। हम देखते हैं कि उन जंगलों में खतरनाक भेड़िए थे जो पीट को चारों ओर से घेर लेते हैं। इससे पहले वो उसे मार कर खा जाते, वहाँ पर एक ड्रैगन आता है जो उन भेड़ियों को डरा कर भगा देता है। ये ड्रैगन बहुत बड़ा था और उसका पूरा शरीर हरे रंग का था। पीट को लगा कि वो उसे मार देगा, पर वो ड्रैगन तो बहुत अच्छा था। वो पीट को उसका बैग वापस कर देता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। पीट जब उसे छूता है तो उस ड्रैगन का शरीर और चमकने लगता है। वो एक बार मुड़कर अपने माता पिता की ओर देखता है और जब उसे एहसास होता है कि अब उसके पीछे कोई नहीं, तो वो उस ड्रैगन के साथ चला जाता है। इसी तरह 6 साल बीत जाते हैं और अब उन जंगलों में लकड़ी की कटाई तेजी से बढ़ती ही जा रही थी। उन जंगलों से कुछ दूर बसे एक शहर में हम ग्रेस नाम के एक फॉरेस्ट रेंजर को देखते हैं। उसके पिता कॉनराड बच्चों को एक हरे रंग के ड्रैगन की कहानियां बता रहे थे, जिसे उन्होंने एक बार बचपन में देखा था। उसकी बेटी उनकी इस ड्रैगन वाली कहानी पर विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि उसे उस जंगल में काम करते हुए न जाने कितने साल हो गए थे, पर उसने कभी भी किसी ड्रैगन को नहीं देखा। इसके बाद हम उन जंगलों में पीट को देखते हैं, जो अब काफी बड़ा हो गया था। अब क्योंकि उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, इसीलिए वो किसी जंगली की तरह बर्ताव करता था। यहाँ पर हम उस ड्रैगन को देखते हैं जिसका नाम उसने एलियट रखा था। उस ड्रैगन के पास गायब होने की पावर्स थी, इसीलिए कभी किसी बाहर के आदमी ने उसे नहीं देखा। ऐसा माना जाता था कि वो भी एक समय पर अपने परिवार से बिछड़ गया था और उसके बाद से वो उन जंगलों में ही रहता है। पीट को उस ड्रैगन पर इतना भरोसा था कि कभी कभी तो वो पहाड़ियों से आंख बंद करके कूद जाता था, क्योंकि उसे पता था कि एलियट उसे नीचे गिरने से बचा लेगा। हर रात वो ड्रैगन एक चमकते हुए सितारे को देखता था, क्योंकि उसी ओर उसका घर था। एक दिन हम उस जंगल में ग्रेस को देखते हैं, जो वहाँ पर इंस्पेक्शन करने आई थी। उसे देखते ही वो ड्रैगन फिर से गायब हो जाता है। वहाँ पर लकड़हारों ने उन पेड़ों पर निशान लगा रखे थे जिन्हें उन्हें अगले दिन काटना था। जब ग्रेस देखती है कि उनमें से एक पेड़ पर आउल्स का परिवार रह रहा था, तो वो उस पेड़ पर लगे निशान को मिटा देती है ताकि उनका घर बर्बाद ना हो। पीट उसे ये सब करते हुए देख रहा था। जैसे ही ग्रेस थोड़ी दूर जाती है, वो उसके बैग से उसके कंपास को चोरी कर लेता है। पीट के पास एक बुक थी जिसे उसने अपने पास पिछले 6 सालों से संभाल कर रखा था। उस रात वो दोनों आराम से सो जाते हैं, लेकिन जब सवेरे उनकी आँख खुलती है तो उन्हें बाहर से बहुत शोर शराबी की आवाज आ रही थी। वो देखते हैं कि कुछ लोग उनके जंगलों को काट रहे थे। कुछ देर बाद वहाँ ग्रेस आती है। वो देखती है कि उन्हें जहाँ तक की परमिशन थी, वो उससे आगे तक के पेड़ काट रहे थे। वो अपने बॉयफ्रेंड जैक से कहती है कि वो अपने भाई को ऐसा करने से रोके, लेकिन उसका भाई गैविन बहुत जिद्दी था। उसे बस इस काम से मिलने वाले पैसों से मतलब था। पीट उन्हें छुपकर देख रहा था, लेकिन तभी जैक की बेटी उसे देख लेती है। वो पीट के पीछे पीछे जंगलों में आती है, लेकिन पीट बहुत तेजी से भाग रहा था। वो तुरंत ही पेड़ों पर चढ़ जाता है। हम देखते हैं कि नेटली भी उसके पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ रही थी, लेकिन थोड़ी ऊपर आते ही उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। पीट उसे बड़े गौर से देख रहा था, क्योंकि उसने बहुत सालों से किसी इंसान को नहीं देखा था। नेटली की चीख सुनकर सभी लोग उसे ढूंढने जाते हैं, पर इतने सारे लोगों को देखकर पीट डर जाता है। ग्रेस देखती है कि उसने उसके कंपास को अपने गले में पहन रखा था, लेकिन उसके लिए हैरानी की बात ये थी कि वो वहाँ से 80 किलोमीटर दूर गुम हुआ था। तो सिर्फ एक दिन में वो बच्चा इतनी दूर पहुंचा कैसे? गैविन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर इसी कोशिश में पीट को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर जब उस ड्रैगन की नींद खुलती है तो उसे पीट कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो गलती से एक बड़े से पेड़ को गिरा देता है, जिसकी वजह से वो कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। जब पीट को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। उसने पहली बार 4 दीवारों वाले कमरे को देखा था। उसे उसके अंदर घुटन हो रही थी। पीट को वापस अपने घर जाना था, इसलिए वो हॉस्पिटल से भाग जाता है। काफी दूर तक जाने के बाद भी उसे दूर दूर तक कोई भी जंगल दिखाई नहीं दे रहा था। जब ग्रेस को पता चलता है कि पीट भाग गया तो वो उसका पीछा करती है। पुलिस भी उसका पीछा कर रही थी, इसीलिए पीट एक चलती हुई बस के ऊपर चढ़ जाता है और उसकी मदद से शहर के बाहर जाने लगता है। लेकिन आखिर में पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और वो अपने घर नहीं पहुंच पाता। दूसरी ओर हम देखते हैं कि गैविन अपने साथियों के साथ उस जानवर की तलाश कर रहा था जिसने जंगल में शोर मचाया था, लेकिन ड्रैगन उनके सामने होते हुए भी वो उसे देख नहीं पाते। ग्रेस पीट को अपने साथ अपने घर ले जाती है।
पर वो बार बार भागने की कोशिश कर रहा था। ग्रेस उसे कहती है कि अगर वो कुछ दिनों तक उसके साथ रुक जाएगा तो वो उसे खुद उसके घर छोड़ आएगी। गैविन रात होने के बाद भी अपनी तलाश जारी रखता है और उसे आखिर में वो गुफा मिल जाती है जहाँ पर पीट रहता था। वो उसके अंदर जाते हैं और वहाँ उन्हें उसकी बुक मिलती है। जब एलियट देखता है कि वो उसके दोस्त की बुक लेकर जा रहे थे तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें रोकने के लिए उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखते ही सभी लोग डरकर भागने लगते हैं। गैविन उसे शूट करने के लिए अपनी बंदूक निकालता है लेकिन एलियट उसे मोड़कर खराब कर देता है। गैविन को अब यकीन हो गया था कि ड्रैगन की कहानियां कोई कहानियां नहीं बल्कि हकीकत है। वो तुरंत ही उस जंगल से भाग जाते हैं पर एलियट अपने दोस्त को ढूंढने के लिए उनका पीछा करता है। ग्रेस को पुलिस की तरफ से फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि पीट का परिवार 6 साल पहले एक हादसे में मारा गया था। गैविन अपने भाई जैक के पास जाता है और उससे उस ड्रैगन को पकड़ने में उसकी मदद मांगता है लेकिन जैक को लगा कि वो मजाक कर रहा है। गैविन का पीछा करते करते वो ड्रैगन उनके घर तक पहुंच गया था। उसने भी जंगल के बाहर की दुनिया पहली बार देखी थी इसीलिए वो थोड़ा डरा हुआ था पर वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाता। एलियट खिड़की से देखता है कि पीट ग्रेस के परिवार के साथ काफी खुश नजर आ रहा था। वो ये देखकर काफी दुखी हो जाता है। उसे लगा कि पीट ने अब नया परिवार ढूंढ लिया है और उसे अब उसकी जरूरत नहीं इसीलिए वो रोता हुआ वापस उन जंगलों में चला जाता है। ग्रेस ये सोचकर बहुत परेशान थी कि पीट पिछले 6 सालों से अकेले जंगल में जिंदा कैसे रहा पर पीट उसे बताता है कि वो वहाँ अकेला नहीं था। वो कहता है कि उसके साथ उसका दोस्त एलियट था। जब ग्रेस उसकी बनाई हुई ड्राइंग्स को देखती है तो वो अपने डैड से उस ड्रैगन के बारे में बात करने लगती है जिसे उन्होंने बचपन में देखा था। उसके डैड उसे पूरा किस्सा दोबारा से बताते हैं लेकिन ग्रेस उन्हें कहती है कि वो उन जंगलों में कई बार जा चुकी है लेकिन कभी उसे ऐसा कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि उसे तो इससे पहले कभी पीट भी नहीं दिखा था पर वो आज उसके सामने है। अगले दिन ग्रेस पीट को पुलिस को सौंपने के लिए चली जाती है लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर उसे अपना वो वादा याद आता है जो उसने पीट से किया था इसीलिए वो पुलिस के पास न जाकर उन जंगलों की ओर निकल जाती है। जैक को पता चलता है कि उसका भाई आज काम पर नहीं आया। वो तो उन जंगलों में उस ड्रैगन का शिकार करने गया था। जब उसे पता चलता है कि ग्रेस पुलिस के पास नहीं पहुंची तो वो भी उसे ढूंढने के लिए उसी तरफ निकल जाता है। जब पीट अपने घर पहुंचता है तो वो उन्हें भी अपने साथ उस गुफा की ओर ले जाता है। ग्रेस उसे अकेले अंदर नहीं जाने देना चाहती थी पर उसके डैड उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद पीट उस ड्रैगन को अपने साथ बाहर लाता है और उसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जिसके बारे में उन्होंने बस कहानियां सुनी थी आज वो उसे पहली बार अपने सामने देख रहे थे। वो ड्रैगन भी उन्हें अपना दोस्त समझने लगता है क्योंकि वो पीट के साथ आए थे। दूसरी ओर गैविन अपने साथियों के साथ उस ड्रैगन को ढूंढते ढूंढते उस गुफा तक पहुंच जाता है। जब वो ड्रैगन उसे दोबारा दिखाई देता है तो वो उसके ऊपर बेहोश करने वाली गोलियां फायर करने लगते हैं। उनके हमले से एलियट बहुत घबरा गया था। पीट उसे वहां से भागने के लिए कहता है लेकिन जैसे ही वो उड़कर कुछ ऊंचाई तक जाता है वो दवाई अपना असर दिखाने लगती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। गैविन उसे अपने साथ शहर ले जाता है और सभी को बताता है कि उसने उस ड्रैगन की खोज की है। उन्होंने उसे बांधकर एक बड़े से वेयरहाउस के अंदर बंद कर दिया था। जैक वहाँ के लोकल पुलिस इंस्पेक्टर को फोन करता है ताकि वो एक बार आकर उस ड्रैगन की जांच पड़ताल करें। ग्रेस देखती है कि बेचारा एलियट बहुत दुखी था लेकिन जैसे ही वो उसे छूती है उसका रंग फिर से बदलने लगता है बिल्कुल वैसा ही जैसे पीट के छूने पर हुआ था। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। वो देखना चाहते थे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे दिखाने के लिए उन्होंने उसे इतनी हड़बड़ी में बुलाया। वो जब अंदर जाने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दरवाजे को किसी ने अंदर से लॉक कर रखा था। दूसरी ओर पीट और निटली मिलकर उस ड्रैगन की जंजीरों को खोल देते हैं। जब वो सभी अंदर आते हैं तो उन्हें वहाँ कोई भी ड्रैगन दिखाई नहीं देता। पुलिस को लगा कि ये क्या मजाक हो रहा है लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एलियट वहीं पर था, बस उसने खुद को गायब कर लिया था। ग्रेस उस ड्रैगन को देख सकती थी पर वो जानबूझकर किसी को कुछ नहीं बताती। इसके बाद हम कॉनरेड को देखते हैं जो उन्हें एक ट्रक पर बैठाकर वहां से भागने लगता है। वो दोबारा उन जंगलों की ओर जा रहा था लेकिन पुलिस समेत बहुत सारे लोग उन्हें रोकने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। उन दवाइयों के असर से एलियट अभी भी नशे की हालत में था। जब वो उड़ने की कोशिश करता है तो वो धड़ाम से नीचे गिरता है जिसकी वजह से उस ट्रक के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं। गैविन उनके ट्रक को ओवरटेक करता है और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे लगा कि वो लोग उसके डर से ट्रक को रोक देंगे पर उसे क्या पता था कि उसके तो ब्रेक्स ही फेल हो गए थे। कॉनरेड के पास उन्हें अपने रास्ते से हटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो उन्हें उड़ाते हुए ब्रिज को पार कर लेता है लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उनका ट्रक बंद पड़ जाता है। जब एलियट देखता है कि उन लोगों ने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मुंह से आग निकालकर उस ब्रिज को जलाने लगता है।
पीट एलियट को रुकने के लिए कहता है, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी कार फिसलते हुए उस ब्रिज के नीचे गिर जाती है। एलियट उन्हें बचाने के लिए खुद भी नीचे कूद जाता है, लेकिन उसके बाद उनमें से कोई भी दोबारा ऊपर नहीं आता। उन सभी को लगा कि नीचे गिरकर उन दोनों की मौत हो गई, लेकिन तब साथ ऊपर ले आता है और हम देखते हैं कि वो दोनों सही सलामत थे। पीट अपने दोस्त को दोबारा देखकर बहुत खुश था। गैविन भी अब समझ गया था कि वो हर चीज अपने काबू में नहीं कर सकता, इसलिए वो उसका पीछा करना छोड़ देता है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर एलियट को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ रहे थे। एलियट पीट से कहता है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो वो लोग उन्हें कभी साथ नहीं रहने देंगे। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि ग्रेस पीट के जाने से बहुत दुखी थी। जब वो दोनों दोबारा से अपने घर पहुँचते हैं तो उन्हें अपने घर के सामने वही टूटा हुआ पेड़ दिखाई देता है जिस पर एलियट गिरा था। पीट कहता है कि अब सभी को उनके बारे में पता है, इसीलिए वो यहाँ नहीं रह सकते। एलियट उसे गायब होकर दिखाता है, पर पीट उसे कहता है कि लेकिन उसके पास गायब होने की पावर्स नहीं है। एलियट पीट को उसकी बुक देता है और उसके पन्ने पलटने को कहता है। उस बुक के अंदर एक परिवार की तस्वीर छपी हुई थी। एलियट उसे कहना चाहता था कि उसे अपने परिवार के पास लौट जाना चाहिए, क्योंकि उसने देखा था कि ग्रेस उससे कितना प्यार करती है। लेकिन पीट उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, उसे हमेशा उसके साथ ही रहना था। वो उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रेस अपने घर वापस लौट आती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर पीट खड़ा था। ग्रेस उसे देखते ही उसे गले लगा लेती है और वो सभी वहाँ एलियट को देखते हैं जो उन्हें आखिरी बार अलविदा कहता है। इसके बाद कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन वो ड्रैगन दोबारा कभी जंगलों में दिखाई नहीं देता। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया। कॉनराड ने दोबारा कभी बच्चों को कहानियां नहीं सुनाई, क्योंकि अब पूरे शहर को यकीन हो गया था कि जंगलों में सच में ड्रैगन्स रहते हैं। पीट भी अब बाकी बच्चों के साथ घुल मिलकर रहने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन वो और उसका परिवार एक नक्शे को देखते हुए नॉर्थ की ओर जाने लगते हैं। उस रास्ते को वो फॉलो करके ऊंचे ऊंचे खुले मैदानों में पहुंच जाते हैं जहां उसके जैसे और भी ड्रैगन्स रहा करते थे। वो चाहता तो वहां पहले भी आ सकता था, पर वो हमेशा पीट की रक्षा करना चाहता था। और जब उसने ग्रेस को देखा था तो वो समझ गया था कि वो पीट की उससे ज्यादा अच्छे से देखभाल कर सकती है, जिसके बाद वो आखिर में अपने घर लौट आया। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।